हांसी शहर के चर्चित श्री काली देवी रोड निर्माण मामले में ठेकेदार द्वारा पूर्व पार्षद दंपति सीमान चौधरी और मोना चौधरी पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में सीमान चौधरी और व्यापारी नेता प्रवीण तायल ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर मामला खारिज होने का दावा किया। उन्होंने बताया कि SIT टीम की जाँच के बाद मामला खारिज करने की सिफारिश की गई है। ठेकेदार मुकेश बंसल की शिकायत पर 11 जनवरी को सीमांत चौधरी और मोना चौधरी सहित 8 अन्य के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया गया था। वहीं SP नीतिका गहलोत ने बताया कि इस मामले में SIT का गठन किया हुआ है और SIT अपनी जांच कर रही है। जांच में अभी तक सामने आया है कि सीमांत चौधरी और उनकी पत्नी द्वारा पैसे मांगने का कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला है। जल्द ही जाँच पूरी करके कोर्ट में सबमिट करवाई जाएगी। कोर्ट जो भी आदेश करेगी उसकी पालना की जाएगी। ये मुझ पे और मेरी घरवाली पे एक ठेकेदार ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था कि हमने उनसे 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, वो पैसे मांगे, जान से मारने की धमकी दी और उस पर मेरे भाई प्रवीण तायल जी ने और आप सभी ने जो मेरा साथ दिया और SP मैडम से हम मिले और वहाँ पर SIT गठित हुई, उसका ये उन सारी इंक्वायरी होने के बाद ये मुकदमा कैंसिल हो गया जो झूठा मुझ पर और मेरी घरवाली पर आरोप लगाए थे। उन पर जो सारी इंक्वायरी हुई उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो गया और ये मुकदमा कैंसिल हो गया और ये सच्चाई की मेरी जीत है, सच्चाई की जीत है और सारे शहरवासियों की जीत है जिन्होंने मेरा साथ दिया इस सच की लड़ाई में। और तायल साहब ने मेरे को जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ी वहाँ मेरे लिए मेरे से पहले पहुँचे और ये यहाँ की जो ईमानदार SP मैडम है मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये जो दूध का दूध और पानी का पानी किया। बंधुओं, जैसे आप सभी को पता है कि 11 जनवरी 2022 को एक मुकदमा नंबर 21 थाना शहर हांसी में सीमान चौधरी व मोना चौधरी पर 1 करोड़ रुपए की फिरौती इलीगल डिमांड्स का मुकेश बंसल ठेकेदार के द्वारा दर्ज करवाया गया जो कि झूठा बेबुनियाद तथ्यों से परे था, क्योंकि मुकेश बंसल को इस बात का पता था कि आप मेरे पे शिकंजा कसने वाला है तो मैं किस प्रकार से सीमांत को और उसकी घरवाली को किसी तरह से फंसा दूं ताकि ये मेरे ऊपर जो मुकेश बंसल के ऊपर कार्रवाई इसने की हुई है ये वापिस ले ले, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के फैसले मुकेश बंसल की फर्म के विरुद्ध आ चुके थे, डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा था। तो एक गिरोह बना, कहा तो वो मुकदमे में ये कह रहा था कि सीमान चौधरी, मोना चौधरी वे अन्य 8 लोगों का एक गिरोह जिसमें कुछ पत्रकार भी हैं और ये लोग मिलकर के मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, जबकि था इसके बिल्कुल विपरीत। मुकेश बंसल के साथ नगर परिषद के 3 अधिकारी झूठी गवाही देकर के आए, मुकेश बंसल ने उनकी गवाही के आधार के ऊपर उसमें जय जितेंद्र, राहुल और संदीप 3 जयों ने झूठी गवाही दी इस केस के अंदर कि सीमांत ने कहा है कि तुम मुकेश बंसल से 1 करोड़ रुपया हमारे को दिला दो तो मैं शिकायतें वापिस ले लूंगा, जबकि वास्तविकता कुछ नहीं मिली केस के अंदर। मैं सीमान चौधरी के पास साथ 17 जनवरी को माननीय SP महोदय हांसी से मिला और निवेदन किया
कि आप इस केस के अंदर गहन जांच करवाएं। उन्होंने हमारे रिप्रेजेंटेशन पर एक एसआईटी गठित की, जिस एसआईटी के अंदर 2 DSP, 3 इंस्पेक्टर, 1 सब इंस्पेक्टर और पता नहीं अन्य कितने अधिकारी कर्मचारी थे, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसपी महोदया कर रही थी। मैं तो आज आप लोगों के माध्यम से उस एसपी महोदया को भी बधाई देता हूँ। मेरा भी थोड़ा दृष्टिकोण बदला है कि पुलिस में भी ईमानदार अधिकारी होते हैं। इस केस की जांच करने के बाद मुझे पता लगा कि हासी में वर्तमान में एक ईमानदार एसपी मौजूद है, जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया।